नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपको नॉर्थ फेसिंग उत्तरमुखी साड़ियों के शोरूम के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। मैंने इससे पहले वीडियो में जानकारी दी थी आपको, आपके यहाँ कहाँ क्या कमी हो सकती है जिसकी वजह से आपका अपना काम बढ़िया नहीं चल रहा है, आप अपना साड़ियों का शोरूम नया खोलने जा रहे हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अपने यहाँ पर किस तरीके से सेटअप आपको करना चाहिए, आज मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको मेन गेट नॉर्थ सेंटर में या नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर गेट बनाना है। आपको अपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक मीटर जो लगाना है वो आपका अपना नॉर्थ वेस्ट जोन में, इस एरिया में इलेक्ट्रिक मीटर भी आ जाएगा, इन्वर्टर भी आ जाएगा और आपका अपना एसी का स्टेबलाइजर भी आ जाएगा। यहाँ पर फ्रंट में ओनर की सीटिंग आएगी, ये आपका काउंटर बनेगा। यहाँ आपके राइट हैंड पे कैश डोर बनेगी जो कि वेस्ट की ओर ओपन होगी। आप फ्रंट में यहाँ डिस्प्ले बनाएंगे, यहाँ पर भी डिस्प्ले बनाएंगे, यानी कि नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की ओर भी, नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट की ओर भी, दोनों तरफ आपकी अपनी डिस्प्ले बनेगी। आपको अपने यहाँ पर और किस तरीके से सेटअप करना चाहिए, सबसे पहले तीनों दीवारों पर, वेस्ट वॉल पर भी और ईस्ट वॉल पे भी और साउथ वॉल पे भी, इस कंप्लीट एरिया में आपने अपनी स्टोरेज करनी है रैक लगा के। ऐसे ही ईस्ट वॉल पे भी स्टोरेज आ जाएगी, ये आपकी अपनी गद्दी बनेगी, साउथ में कंप्लीट और वेस्ट में भी कंप्लीट, ईस्ट में भी कंप्लीट, ये गद्दी बन जाएगी। कस्टमर आपका अपना जो लेडीज आती हैं वो आपकी अपनी सीटिंग यहाँ आ जाएगी, इस एरिया में लेडीज की सीटिंग आ गई। यहाँ पर आपका अपना स्टाफ की सीटिंग आ जाती है, यहाँ ओनर की सीटिंग आ जाए, यहाँ पे ओनर की सीटिंग आ सकती है, दोनों में से कहीं भी जहाँ कंफर्टेबल लगे, वैसे तो ओनर कहीं भी बैठ सकता है, यहाँ आपके अपने स्टाफ की सीटिंग आ जाती है, यहाँ भी आपके अपने स्टाफ की सीटिंग आ जाती है। जो आपकी अपनी ये सेटी बनी है, यानी कि आपकी अपनी जो गद्दी बनी है, गद्दी के अंदर भी आप माल की स्टोरेज कर सकते हैं। आपको हमेशा ही किस चीज़ का ध्यान रखना है जो बहुत ज़रूरी है, आपने वेस्ट में और साउथ में सबसे ज़्यादा माल लगाना है, भारी माल लगाना है, कोई भी रैक, कोई भी ब्लॉक, एक भी खाली नहीं होना चाहिए। जिस टाइम भी आपके पास कस्टमर आता है वो चार पीस लेके जाता है, दो पीस लेके जाता है या दस पीस लेके जाता है, जहाँ से भी वो पीस लेके गया है, यानी कि आपका अपना वेस्ट में से यदि पीस निकले हैं और साउथ में से पीस निकले हैं, आप ईस्ट में से पीस निकालेंगे, साउथ के रैक को फुल कर देंगे और वेस्ट के, यानी कि साउथ के रैक को फुल कर देंगे और साथ में वेस्ट के रैक को भी फुल कर देंगे। साउथ में कोई भी ब्लॉक खाली नहीं होना चाहिए और ऐसे ही वेस्ट में भी कोई भी ब्लॉक खाली नहीं होना चाहिए। ईस्ट में आपका अपना कोई भी ब्लॉक खाली रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके यहाँ लेडीज की सीटिंग के लिए जो सेटी बनाई गई है, उस सेटी के अंदर भी आप अपना सामान रख सकते हैं। आपको अपने यहाँ पर और किस चीज़ का ध्यान रखना है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको अपने यहाँ पे साउथ में इस एरिया में एक रेड कलर की साड़ी या सूट, क्योंकि आप साड़ियों का शोरूम खोलने जा रहे हैं और आपका मन करता है कि मैंने सूट भी रखने हैं, तो सूट या साड़ी रेड कलर की जरूर हमेशा ही खुली रहे, क्योंकि साउथ का एरिया फायर को, रेड कलर को पसंद करता है, लाल रंग को पसंद करता है। ऐसे ही ईस्ट में ग्रीन कलर हमेशा ही खुला रहे, वेस्ट के अंदर ग्रे कलर हमेशा खुला रहे, ऐसा मेरा अपना मानना है। और आप नॉर्थ में, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में स्काई ब्लू कलर का एक डिस्प्ले जरूर बनाएं, डमी जरूर लगाएं, जो आप यहाँ पे डमी लगाएंगे उसके अंदर डिस्प्ले के रूप में स्काई ब्लू कलर जरूर आना चाहिए और येलो कलर जरूर आना चाहिए। और ऐसे ही नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट वाले में स्काई ब्लू कलर और ग्रे कलर जरूर आना चाहिए। ये जो मैंने आपको कलर स्कीम बताई है, ये मेरा अपना अनुभव है।
आप इस तरीके से अपना सेटअप करते हैं और आप अपने यहाँ पर इस तरीके से कलर स्कीम अप्लाई करते हैं, तो मेरा अपना मानना है कि आपके यहाँ वर्क अच्छा होता चला जाएगा, आपके यहाँ कस्टमर ऑटोमेटिक खींचा चला आएगा और आपको प्रॉफिट दे के जाएगा, आने वाला तकरीबन कस्टमर माल लेके जाएगा, कोई भी कस्टमर खाली नहीं जाएगा। और मेरा अपना मानना है कि आप इस तरीके से सेटअप जरूर करेंगे। मैंने इस वीडियो के माध्यम से जो आपको जानकारी दी है, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और अपने सर्कल में शेयर भी करें। आपने यदि मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लगभग 300 के करीब वीडियो अपलोड की हुई है, वो वीडियो सारी के सारी आपके अपनी स्क्रीन पर एक एक करके आती चली जाए। आप अपनी परेशानियों का स्वयं हल निकाल सकते हैं मेरी अपनी वीडियो देख के, क्योंकि मैंने अपनी सभी वीडियो बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में बनाई हुई है। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति अपना कोई नया काम शुरू करता है तो वो काम शुरू करते हुए लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च कर देता है और उसकी अपनी बहुत उम्मीद होती है कि मेरा काम बढ़िया चलेगा, और किसी कारण से उसका काम अच्छा नहीं चलता है तो उसके अपने सपने भी टूट जाते हैं और उसका अपना परिवार भी परेशानियों से घिरता चला जाता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, मेरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, सुने और समझें। आपको लगता है कि बंसल जी के द्वारा दी गई जानकारी सही है तो आप अपने यहाँ बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अपने इस कॉन्सेप्ट को जो सीखा है अपने फादर के साथ रह के प्रैक्टिकल सीखा है, और हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो इस पुस्तक को पढ़ के सीखा है। हमारे पिताजी ने इस पुस्तक को छुपा कर समाज में बांटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़ के भरपूर लाभ उठाया। अब हमारी अपनी भी यही इच्छा है कि आप भी इस पुस्तक को पढ़ें और भरपूर लाभ उठाएं और वास्तु के प्रति जागरूक भी हों। आप इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फ़ोन करके इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। आप अपनी किसी साइट के प्रति हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो लेआउट मैप भेजकर सलाह ले सकते हैं। आप अपनी किसी साइट के प्रति हमसे लेआउट बनवाना चाहते हैं तो लेआउट भी बनवा सकते हैं। आप अपनी किसी साइट के प्रति वास्तु विजिट कराना चाहते हैं तो वास्तु विजिट भी करा सकते हैं। ये सभी सेवाएं हमारी चार्जेबल रहेंगी, यानी पेड रहेंगी। आप अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।